चंडीगढ़ से मुंबई जा रहे इंडिगो के एक विमान को इमरजेंसी में जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया है। विमान के इमरजेंसी लैंडिंग करवाने वाला व्यक्ति एक पुलिस केस में आरोपी है, लेकिन यह सामने आ रहा है कि आरोपी यात्री ने जानबूझकर विमान के इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। लेकिन कैसे हुआ यह पूरा घटनाक्रम, देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सुबह 7 बजे एक मैसेज मिला कि एक यात्री की तबीयत खराब होने के चलते विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी होगी। ये मैसेज इंडिगो की फ्लाइट के पायलट ने दिया। एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत ही विमान के पायलट को यहां लैंडिंग कराने की परमिशन दे दी। अगले 15 मिनट में विमान सुरक्षित तरीके से जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा। विमान के उतर पाने से पहले ही एयरपोर्ट प्रशासन ने सतर्कता दिखाई। 2 एम्बुलेंस एयरपोर्ट के पार्किंग क्षेत्र में विमान के पार्किंग वे के पास लगा दी गयी। विमान के गेट खुलते ही यात्री को एम्बुलेंस में बिठाकर एयरपोर्ट के नजदीक EHCC अस्पताल भिजवा दिया गया। यूं तो इसे सामान्य घटनाक्रम माना जा रहा है, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों की माने तो ये जानबूझकर करवाई गई लैंडिंग थी। सूत्रों ने बताया कि विमान के अंदर यात्री शुभम पाटिल ने शरीर के बाएं हाथ पैर के काम नहीं करने की बात कही, चेस्ट पेन बताकर हार्ट अटैक की आशंका जताई, जबकि वास्तव में उसे हाई BP की समस्या हुई थी। किस तरह हुआ ये घटनाक्रम, इंडिगो की फ्लाइट 6E5283 की जयपुर एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। चंडीगढ़ से सुबह 6:15 पर मुंबई के लिए रवाना हुई थी फ्लाइट। सुबह 8:35 पर फ्लाइट को उतरना था मुंबई एयरपोर्ट पर। विमान जब जयपुर के पास आसमान में था तो यात्री ने तबीयत खराब बताई। यात्री एक पुलिस केस में आरोपी है, उसके साथ पुलिस कर्मी भी मौजूद था। पुलिसकर्मी एक इन्वेस्टिगेशन के लिए यात्री शुभम को मुंबई ले जा रहा था। सुबह 7:15 पर जयपुर एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। तुरंत ही EHCC अस्पताल में भर्ती कराया। आधे घंटे में ही यात्री को छुट्टी मिल गई। आखिर क्यों कराई इमरजेंसी लैंडिंग? एयरलाइन सूत्रों के मुताबिक यात्री ने बाएं हिस्से में चेस्ट पेन बताया और कहा हार्ट अटैक की आशंका, बाएं हाथ पैर काम नहीं करने की बात कही, BP की शिकायत बताई। अस्पताल में जांच में यात्री को हाई BP पाया गया, लेकिन ना तो हाथ पैर में कोई दिक्कत थी, ना ही हार्ट अटैक जैसी बात सामने आई। बताया गया कि 2 दिन से यात्री ने BP नियंत्रित करने की टैबलेट नहीं ली थी, जबकि वो पिछले 2 साल से रोज टैबलेट ले रहा था। इन वजहों से माना जा रहा है उसने जानबूझकर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। हालांकि एविएशन रूल्स के मुताबिक विमान में किसी भी यात्री के तबीयत खराब होने को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में एयरलाइन प्रबंधन और एयरपोर्ट प्रशासन ने अपनी तरफ से समुचित इंतजाम किए, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यात्री ने यदि सब कुछ जानबूझकर किया तो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। आपको बता दें, इस फ्लाइट में कुल 66 यात्री सवार थे। फ्लाइट को सुबह 8:35 पर मुंबई पहुंचना था, लेकिन जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराने के चलते ये लेट हुई। सुबह 8:10 पर फ्लाइट जयपुर से रवाना हुई और सुबह 9:35 पर मुंबई पहुंच सकी। इस कारण जरूरी काम से मुंबई जा रहे यात्रियों को 1 घंटे तक देरी हुई। मुंबई से आगे ये फ्लाइट नागपुर जाने वाली थी। ऐसे में नागपुर जाने में भी फ्लाइट 1 घंटे से ज्यादा लेट हुई। वहीं इमरजेंसी लैंडिंग के चलते एयरलाइन को भी अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ी। देखना होगा कि DGCA से जुड़े अधिकारी क्या इस घटनाक्रम की जांच करेंगे और दोषी होने पर संबंधित यात्री पर कार्रवाई की जाएगी। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।